नमस्कार दोस्तों, अबाउट कोल्ड स्टोरेज इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये है एलपीआर सिस्टम और इसका वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ कि ये कैसे बना, इसका इरेक्शन किस तरह हुआ। तो ये प्लांट चालू है और ये एलपीआर सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है। देख सकते हैं कि इसमें अमोनिया को छोड़ दिया गया है और ये प्लांट 4-5 दिन हो गया ये चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें दोस्तों एक हो गया है, प्रॉब्लम ये हुआ है कि इसका जो एक्सपेंशन वाल्व होता है, यहाँ देख सकते हैं कि एलपीआर सिस्टम के पास में एक एक्सपेंशन वाल्व होता है, तो एलपीआर जो रिसीवर है उसके ऊपर दिया जाता है, तो ये एक्सपेंशन वाल्व जो है ना इसके अंदर से लीकेज हो गया है, यानी इसका जो सेल है और यहाँ सेल से लीक कर रहा है, तो इसका सेल में एक तरह का ब्लू होल है, पतला सा होल है, वहां से लिक्विड और गैस जो है ये बाहर आ रहा है, तो इस वाल्व को चेंज करना है। तो इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वाल्व को हम कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि इस जो लो प्रेशर रिसीवर है इसमें आधा लिक्विड है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तक, यहाँ गेज में आधा, यहाँ आपको दिखाता हूँ, आधा के आसपास इसमें लिक्विड है। तो इतना ज्यादा लिक्विड होते हुए इसको कैसे हम वैक्यूम करेंगे और साथ में इसे कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि इसमें आगे ऊपर कोई वाल्व नहीं है ताकि उधर से हम बंद करके इसे चेंज कर लेंगे, और वहाँ एक वाल्व है रिसीवर में जो गैस है लिक्विड है उसको हम वैक्यूम करेंगे, पूरा वैक्यूम खाली करके तब इसे चेंज करना होगा। तो यही एक उपाय है जिसे इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ कि इसे कैसे हम खाली करेंगे और खाली करने के बाद उस वाल्व को हम कैसे चेंज करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये प्लांट अभी चल रहा था, अभी बंद किया हुआ है क्योंकि वो लीकेज हो गया था, और इसमें लो प्रेशर रिसीवर में आधा गैस है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि यहाँ कहाँ पर लीक कर रहा है, आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा मिले कि ये किस तरह का लीकेज होता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पर कि स्मोक जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ देख सकते हैं, तो ये लिक्विड आ रहा है, मेरा हाथ ठंडा हो गया पूरा, तो ये लिक्विड आ रहा है देख सकते हैं। तो अगर प्रेशर ज़्यादा हो तो ये ज़्यादा तेज़ी से फेंकने लगेगा, और अगर इसके ऊपर कोई पपड़ी जमा हुआ है तो ये ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए हम चांस नहीं लेंगे और इस वाल्व को ही हम चेंज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस रिसीवर को हम वैक्यूम करते हैं। तो इसमें आधा लिक्विड भरा हुआ है, तो आधा लिक्विड जो है ये काफ़ी लिक्विड होता है, तो ये इस तरह वैक्यूम नहीं कर सकते हैं, इसको खाली करना पड़ेगा। खाली करने के लिए अपना जो लिक्विड पंप है, लिक्विड पंप का इस्तेमाल करेंगे। तो जिस तरह नॉर्मल प्लांट चलता है उस तरह प्लांट को चलाएंगे, और लिक्विड पंप की सहायता से हम इस गैस को भेजेंगे कॉयलों में, और कॉयलों से कंप्रेसर खींचेगा और वो कंडेंसर में देगा, कंडेंसर से आकर मेन टैंक जो है रिसीवर उसमें आकर जमा हो जाएगा। तो इस तरह ये धीरे धीरे खाली करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि ये लिक्विड लाइन का वाल्व है, तो जिस चेंबर को चलाना है उस चेंबर को मैं यहाँ से खोल देता हूँ। ठीक है, मैंने ये खोल दिया है, एक वाल्व एक चेंबर हमको चलाना है तो एक ही चेंबर चल रहा है तो उसे हम खोल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये मेन रिसीवर से आ रहा है, हाई प्रेशर रिसीवर से आ रहा है, तो ये मेन वाल्व है, इसे हम बंद कर लेंगे, यानी रिसीवर का वाल्व है ये बंद कर लेंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि एलपीआर में जो जाता है, यहाँ सोलेनोइड वाल्व है और ये एक्सपेंशन वाल्व है, तो एक्सपेंशन वाल्व को खोल देंगे और सोलेनोइड वाल्व तो चालू रहेगा ही रहेगा ताकि इसके अंदर का जो लिक्विड है वो भी खींचा जा सके। तो चलिए, मैं यहाँ मेन रिसीवर का वाल्व बंद कर दिया और ये खोल दिया इवोपरेटर के लिए जो चेंबर में जाएगा। अब कंप्रेसर को हम चलाएंगे और नॉर्मल जिस तरह प्लांट चलता है उस तरह चलाएंगे, और लिक्विड पंप चलेगा और इन सभी गैसों को कॉयलों में फेंका जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कंप्रेसर को हम चालू करते हैं। कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, ऑयल प्रेशर अगर आ चुका है, और लो प्रेशर रिसीवर में 20 है PSI प्रेशर, तो लोड में आने तक इंतजार कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है और लोड में भी आ चुका है, और यहाँ देख सकते हैं कि अभी इसका एक चैम्बर चल रहा है, तो ये जो चैम्बर चल रहा है उसका लिक्विड जो वाल्व है ये खुला हुआ है लिक्विड लाइन का, और ये जो पंप है लिक्विड पंप चलाकर जिस तरह नॉर्मल चलता है प्लांट उस तरह चलाकर इसका जो
लो प्रेशर रिसीवर है इसको वैक्यूम कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। अब इसमें गैस कहीं से और से नहीं जा रहा, इसलिए अब ये खाली होगा और पंप जो है ये लिक्विड पंप चल रहा है और ये जो गैस है इवोपरेटर से होते हुए सक्शन लाइन से जरिए होते हुए चला जाएगा कंडेंसर में और वहाँ से चला जाएगा रिसीवर में। तो इस तरह ये खाली जब हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें गैस बचेगा, तब जाकर हम वैक्यूम करना स्टार्ट करेंगे। तो खाली होने तक इंतज़ार कर लेते हैं, देख लेते हैं कि अभी तक इतना आधा गैस है इसमें। तो ये खाली होते होते कुछ समय लगेगा, तो ये कम हो जाएगा और ये ऑटो कट होता है पंप, तो ये बंद हो जाएगा, तब जाकर वैक्यूम करना हम स्टार्ट करेंगे। तो इंतज़ार कर लेते हैं दोस्तों। इसमें का जो लिक्विड है, यहाँ जो फ्लूड स्विच है उसके नीचे आ गया है और ये ऑटो कट हो गया है। तो देख सकते हैं कि यहाँ का लोड ख़त्म हो गया है, यहाँ 7-8 एम्पीयर बता रहा था, तो पंप जो है ये बंद हो चुका है। और यहाँ देख सकते हैं कि प्रेशर 20 के नीचे आ चुका है, 20 PSI। अब दोस्तों नीचे जो लिक्विड बैठा हुआ है, क्योंकि इसमें यहाँ तक ही लिक्विड खाली हुआ है यहाँ तक, लेकिन इसके नीचे बहुत सारा लिक्विड अभी है, तो ये वैक्यूम करना पड़ेगा। और इसमें भी लिक्विड सारा भरा हुआ है इस तरह, तो ये सभी को खाली करना पड़ेगा, वैक्यूम करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले तो ये जो लिक्विड लाइन का जो वाल्व है ये बंद कर देंगे, इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि पंप जो है ऑफ हो चुका है, तो ये बंद कर देंगे। वहाँ देख सकते हैं कि वो चेंबर से आ रहा है, जो लो प्रेशर रिसीवर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वो आ रहा है इवोपरेटर से, तो उसको बंद कर लेंगे। तो सबसे पहले उसे बंद कर लेते हैं। वापसी है, उस लाइन को हमने बंद कर लिया। अब कंप्रेसर चल रहा है और वहाँ से इसका जो लिक्विड है वहाँ से वैक्यूम हो रहा है, यहाँ से होते हुए, और ये कंप्रेसर खींच रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कि 10 पे आ गया है सेक्शन, आपको दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं 10 के नीचे आ गया है, 10 के आसपास आ गया है। तो इस तरह आस्ते से वैक्यूम होगा, अगर ज़्यादा नीचे आए तो एक लोड कम कर लेंगे ताकि ये समय लगे वैक्यूम करने में, क्योंकि इसमें लिक्विड काफ़ी ज़्यादा है अब भी, तो इसको वैक्यूम करने में बहुत समय लगेगा। इसलिए अगर ज़्यादा डाउन हो जाए सक्शन प्रेशर तो एक एक लोड को कम कर लेंगे। चलिए हम लोड कम कर देते हैं, एक लोड को, तो एक लोड कम कर लिए, ये धीरे धीरे वैक्यूम होगा, ठीक है, धीरे धीरे वैक्यूम होगा, तब जाकर ये अंदर का जो लिक्विड है वेपराइज होगा, उसके बाद ही ये वैक्यूम होगा। तो जो अचानक ज़्यादा लोड से खींचेंगे, तेज़ी से खींचेंगे, सेक्शन डाउन हो जाएगा, सेक्शन जो है ये डाउन हो जाएगा, इसलिए एक लोड को हमने ऑफ कर दिया है, दूसरे लोड को भी ऑफ कर लेंगे। अब सिर्फ 2 पिस्टन चल रहा है इसमें, तो यहाँ देख सकते हैं कि 10 के आसपास है, 10 PSI के आसपास सेक्शन है इसका। तो देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर 10 के नीचे चला गया है, तो इसमें प्रेशर बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी इसमें लिक्विड है, इस टंकी में लिक्विड ज़रूर है, लेकिन सेक्शन कम हुआ है। अब दोस्तों ज़्यादा सेक्शन डाउन हो जाए तो कंप्रेसर को बंद कर लेंगे ताकि इसके अंदर का जो लिक्विड है वेपोरेट हो सके। तो वेपोरेट होने के लिए थोड़ा देर कंप्रेसर को हम बंद कर लेते हैं। तो चलिए कंप्रेसर को हम बंद कर लेते हैं। तो हमने कंप्रेसर को बंद कर लिया है क्योंकि सेक्शन आ गया था 0 के आसपास, लेकिन इस LPR सिस्टम में अभी भी लिक्विड काफ़ी है और ये पूरा पंप वगैरह सारा लिक्विड से भरा हुआ है, इसलिए 10-15 मिनट तक हम छोड़ देंगे ताकि ये वेपराइज हो सके। और वेपरेट होगा उसके बाद ये प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने के बाद हम कंप्रेसर को फिर स्टार्ट करके वैक्यूम करेंगे। तो चलिए दोस्तों इंतज़ार कर लेते हैं। 4-5 बार हो गया मुझे वैक्यूम करते हुए, जब प्रेशर डाउन हो जाता है तो मैं कंप्रेसर को बंद कर देता हूँ, और जब प्रेशर थोड़ा बढ़ता है तो फिर से मैं कंप्रेसर चालू करके और इसे वैक्यूम कर लेता हूँ। तो लगभग 4-5 बार हो गया वैक्यूम करते हुए। तो कंप्रेसर चलाकर और इस रिसीवर को, जो लो प्रेशर रिसीवर है,
उसको वैक्यूम कर दिया है, पूरी तरह खाली हो चुका है और उसका प्रेशर जीरो के आसपास यहाँ दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कि जीरो है और अभी ये बिल्कुल ही खाली हो चुका है। अब हम इस वाल्व को चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हमें कंफर्म करना होगा कि ये लो प्रेशर रिसीवर खाली है कि नहीं। तो मैंने इसे खाली कर लिया है और अभी इस हम वाल्व को चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि दोस्तों ये मेन रिसीवर से आ रहा है तो इसको चेंज करना बहुत लोगों के लिए आसान नहीं होता है। फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह इसे भी चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस तरह मैंने बताया है उस तरह करेंगे तो बिल्कुल ही निश्चित ही आप इसे चेंज कर पाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों कि खुल गया है और लीकेज और गैस, क्योंकि लो प्रेशर रिसीवर में बिल्कुल ही गैस ज़्यादा होता है और इसके आगे ऊपर कोई भी वाल्व नहीं है, यानी ये जो आ रहा है ये बिल्कुल ही रिसीवर से आ रहा है, इसमें अंदर कोई इसके ऊपर कोई वाल्व नहीं है, इसलिए ये कनेक्ट है। फिर भी यहाँ थोड़ा भी लीकेज नहीं है और थोड़ा भी इसमें गैस नहीं आ रहा है और न ही गंध आ रहा है। इसको इस तरह वैक्यूम किया है कि थोड़ा भी यहाँ गंध भी नहीं आ रहा अमोनिया का और इसे बड़ी आसानी से हम चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह करेंगे दोस्तों तो बड़ी आसानी से आप भी इसे चेंज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें इसके बदले यहाँ से लीकेज है, इसके बदले नया वाल्व हम लगाएंगे फटाफट। किधर का भी इसका गैस्केट कट गया हो, खराब हो गया हो तो इसे चेंज कर लेंगे। इसका कट गया है तो हम चेंज कर रहे हैं। तो मेरे पास ये गैस्केट है, इसका पैकिंग जो है, और पूरी तरह सफाई करके लगाएंगे। ये लग गया, गैस्केट लग गया, गिर जाएगा वो। दोनों साइड में गैस्केट लग गया है, इसको थोड़ा खींचना पड़ेगा, खींच कर लाएगा। सभी बोल्ट लगा लेंगे। दोस्तों इसे हम टाइट कर लेते हैं, फिर आगे मैं बताता हूँ कि कैसे इसमें कैसे गैस को छोड़ना है। तो सबसे पहले इसे टाइट कर लेते हैं दोस्तों, सारे बोल्ट को लगा लेते हैं। इसमें दोस्तों कि वाल्व को पूरी तरह टाइट कर दिया गया है, अब इसे हम चेक करेंगे तो गैस छोड़ेंगे। तो चलिए गैस को छोड़ते हैं। इसमें दोस्तों चेक करने के लिए इसमें डायरेक्ट हम लिक्विड नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है, फ्लैंज से लीक हो सकता है, चाहे कुछ भी लीक हो सकता है। तो वहाँ से हम डायरेक्ट रिसीवर से इसमें डायरेक्ट लिक्विड नहीं देंगे, हम सिर्फ इसमें प्रेशर देंगे। प्रेशर के साथ में हम टेस्ट करेंगे ताकि अगर इसमें कोई लीकेज आए तो इसे ड्रम को खाली करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम प्रेशर सिर्फ देते हैं। इसमें प्रेशर देने के लिए इवोपरेटर से जो लाइन आ रहा है, जिसको मैंने बंद किया है, उसे धीरे धीरे खोलेंगे ताकि इसमें प्रेशर आ जाए। तो पहले इसे धीरे धीरे खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि अंदर प्रेशर आ रहा है और प्रेशर गेज में धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जितना भी प्रेशर है इवोपरेटर में 300, 3500, 4000, वो सभी प्रेशर इसमें दे देंगे और उतना पर इसे हम चेक कर लेंगे, वाल्व को चेक कर लेंगे। तो अब खोल लेते हैं सारा धीरे धीरे। तो देख सकते हैं फाइनली सारा सभी पूरी वाल्व खुल गया है। अब इसमें प्रेशर लगभग हो गया है 35, कितना है 30। अब इस वाल्व को हम चेक करेंगे दोस्तों। तो इस तरह पता लगता है कि कहीं लीकेज नहीं है, नहीं गंध आ रहा है इसमें, तो इसमें कोई लीकेज नहीं आ रहा। ठीक है, इसको भी हम खोल लेते हैं कि आगे का जो इधर वाला फ्लैंज जो है
ये भी चेक हो सके। इसमें थोड़ा भी लीकेज नहीं है दोस्तों। अब हम इसमें लिक्विड देंगे एलपीआर सिस्टम में। इसके लिए दोस्तों यहाँ सोलेनोइड वाल्व है, अभी ये बंद है तो इसे चालू होना ज़रूरी है, तो हम इसको चालू कर लेते हैं क्योंकि इसका पैनल बोर्ड एलपीआर सिस्टम का जो पैनल है अभी बंद किया हुआ है, इसका लाइट कटा हुआ है, तो इसको चालू करेंगे तो ऑटोमेटिक सोलेनोइड वाल्व चालू हो जाएगा क्योंकि रिसीवर में बिल्कुल ही गैस नहीं है, बिल्कुल ही लिक्विड नहीं है, इसलिए उसको ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देगा। तो इस पैनल को हम चालू करेंगे, तो यहाँ पैनल चालू हो गया है और साथ में जो सोलेनोइड वाल्व है ये सोलेनोइड वाल्व चालू हो गया है। अब यहाँ से हम लिक्विड जो मेन लाइन का लिक्विड है, लिक्विड का वाल्व है, ये खोलेंगे। तो चलिए खोलते हैं, धीरे धीरे खोलेंगे। तो पूरा खोल देंगे, और पूरा खोल लेते हैं। उसके बाद यहाँ एक्सपेंशन वाल्व से हम लिमिटेड हम सेट कर लेंगे कि अंदर जो लिक्विड है चला जाए, तो यहाँ से खोलकर हम थोड़ा खोलेंगे ताकि लिक्विड अंदर जाए। तो अभी जा रहे हैं, आप आवाज़ सुन रहे होंगे कि अंदर लिक्विड जा रहा है और प्रेशर जो है ये 40 चला गया है, देख सकते हैं कि 40 चला गया है, 45 के आसपास है। ये जो मैंने बंद किया था इसको खोल लेंगे क्योंकि ये जाएगा चैम्बर में कॉयलों में, तो इसे खोल लेते हैं। ये खुल गया दोस्तों, कुछ देर इंतज़ार कर लेते हैं ताकि इसमें गैस का लेवल थोड़ा हाई हो जाए, और अगर इस तरह का लेवल गेज होगा तो इसमें देख लेंगे कि कहां तक आया है। लिक्विड कुछ हो गया है इसमें, अब हम कंप्रेसर को चालू करेंगे। तो कंप्रेसर को चालू करते हैं, जिस तरह प्लांट चलता है नॉर्मल प्लांट चलता है उस तरह प्लांट को चला रहे हैं। अगर इस तरह का लीकेज वाल्व हो या वाल्व चेंज करना हो एक्सपेंशन वाल्व, तो एक्सपेंशन वाल्व को चेंज कर सकते हैं दोस्तों।